जैसे कि अपना इंडिया का सबसे बड़ा होटल हो गया ताजमहल पैलेस मुंबई, उसमें भी हमारी मशीन लगी है। 80,000 से लेकर 5,40,000 तक का मशीन है हमारे पास। दुनिया का सबसे बड़ा घर जो एंटीलिया मुकेश अंबानी का घर है, उसमें भी मेरी मशीन आपको लगी हुई मिलेगी। पूरी रिलायंस इंडस्ट्री में हम लोग मशीन सप्लाई करते हैं। फिर अपने देश के जवानों, इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी में भी हमने बहुत सारा मशीन सप्लाई किया है। जवान भी अपनी रोटी खाते हैं रोज। हम लोगों की मास्टरी है चपाटी मशीन में। आखिरी थेपला, पराठा, पूरी सब चीज को बेल के तवे पे ले सकते हो। हमारे पास 1 घंटे में 300 रोटी, 1 घंटे में 600 रोटी, 1 घंटे में 1,000 रोटी और 2,000 रोटी 1 घंटे में। वैसी डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट के लिए अलग अलग मशीनें हैं कि ये रोटी कैसे अलग हो जाती है। देखो, ये 2 लेयर फुल्का चपाटी है, बिल्कुल पतली। आप इसको 6-7 घंटे बाद खाओ तो भी ऐसी के ऐसी सॉफ्ट रहेगी, बिल्कुल सॉफ्ट रोटी है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द गिरनार मशीन प्राइवेट लिमिटेड, द वर्ल्ड ऑफ चपाटी मेकिंग मशीन। हम लोग बेसिकली चपाटी मशीन मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और चपाटी मशीन में हमारी मास्टरी है। चपाटी का पूरा सॉल्यूशन मिलेगा हमारे पास। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के चपाटी मशीन। हम लोग लाइव डेमो देखेंगे आज। ऑटोमेटिक रोटी बनाने के लिए 3 स्टेप होते हैं, जैसे कि बहुत सिंपल स्टेप है। पहला आटा गूंद गया आटा के मशीन में, ये रोटी मशीन का दूसरा स्टेप है कि आटा गूंदने के बाद डो बॉल के मशीन में आपको आटा डालना है। फिर मशीन को आप चालू करेंगे तो आप अलग अलग ग्राम के डो बॉल बना सकते हो। जैसे कि मशीन को मैं चालू कर रहा हूँ अभी, आपके सामने आप देख रहे हो कि ये जो डो बॉल बन रहा है वो रोटी का डो बॉल बन रहा है। इसकी आप स्पीड देख सकते हो कितनी स्पीड में डो बॉल बना देता है। और इसकी साइज़ अलग अलग करने के लिए ये सेंसर सिस्टम दिया गया है, जहाँ से आप सेंसर को आगे पीछे करके साइज़ अलग कर सकते हो। और यहाँ पे एक काउंटिंग मीटर भी दिया गया है ये मशीन में, आपको कितनी रोटी बन गई है वो भी दिखा देगा। ये जो काउंटिंग मीटर है वो काउंट करके दे देगा आपने शाम तक कितनी रोटी बनाई है। इसको आप कभी भी ज़ीरो कर सकते हो। ये मशीन की खास बात ये है कि इसमें एक सेफ्टी फीचर्स दिया गया है। इसको आप खोलेंगे तो मशीन पूरा बंद हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि इसमें कोई अपनी उंगली ना डाल दे। और ये उसकी सेफ्टी फीचर्स के हिसाब से ये फीचर्स दिया गया है। तो ये हम लोग देख रहे हैं 1000 वाला हमारा चपाटी वाला रेगुलर मशीन, जो हमारा बेस्ट सेलिंग मॉडल है, जो आजकल सब जगह फास्ट मूविंग चलता है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि हम लोग डो बॉल गोली को ऊपर से रख रहे हैं। बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है, ये माइक्रो सेकंड में दब के बाहर निकल जाता है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट साइज आप बना सकते हो, वो मैं लास्ट में आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। यहाँ पे जो हो रहा है प्रेसिंग हो रहा है, अभी आपको प्रेसिंग सिस्टम दिखा रहा हूँ मैं। प्रेसिंग होके फिर वो रोटी आती है कन्वेयर पे। ये जो कन्वेयर है वो 3 स्टेप कन्वेयर है, जिसमें घर पे जैसे रोटी बनाते हैं वैसे ही इसमें सिकाई होती है। उसका फर्स्ट लेयर यहाँ पे सिक जाता है, फिर रोटी पलटती है, फिर दूसरा लेयर दूसरी कन्वेयर पे सिकता है, फिर लास्ट में वो उसको डायरेक्ट फ्लेम में से गुजरना पड़ता है, जहाँ वो फुल्का होके बाहर निकलती रहे। यहाँ पे आप देख रहे हो आउटपुट, जहाँ पे फुल्का निकल रहा है रोटी बन रही है। ये 1000 वाला मॉडल आप देख रहे हो हमारा, ठीक है। इसमें आप थिकनेस एडजस्टेबल कर सकते हो, थिकनेस अपने हिसाब से, इस रोस्टिंग को भी अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो। जैसे कि ये ऊपर का लेयर है और नीचे का लेयर है, दोनों में आपको और पकाना है, इसको थोड़ा कड़क करना है, तो आपको 2 ही बर्नर को ऑपरेट करना है। 1 नंबर बर्नर को आप प्लस करेंगे तो ऊपर की डॉट्स बच जाएगी, 2 नंबर के बर्नर को प्लस करेंगे तो नीचे की डॉट्स बन जाएगी। आप इसमें फुल्का रोटी के अलावा और 2 लेयर चपाटी बना सकते हो। देखिए, मैं अभी 2 लेयर चपाटी बनाने जा रहा हूँ, जिसमें 2 डो बॉल को हमने बीच में ऑयल लगा के रख दिया है, जो कि पार्सल टिफिन सर्विस और मंदिरों संस्थान में ज़्यादा चलती है। ये 2 लेयर रोटी का 3 फायदा है, ये उतने ही गैस कंजप्शन, उतने ही मेन पावर में प्रोडक्शन डबल निकाल देती है, और ये रोटी लॉन्ग टाइम तक सॉफ्ट रहती है। ये रोटी हम लोग अभी आपको, ये फुल्का नहीं होगी क्योंकि ये 2 लेयर रोटी है, तो दोनों लेयर इसके खुल जाएंगे पकने के बाद। अभी ये रोटी कन्वेयर पे पक रही है, आइए मैं आपको लाइव दिखाता हूँ ये रोटी को खोल के कि ये रोटी कैसे अलग हो जाती है। देखो, ये 2 लेयर फुल्का चपाटी है, बिल्कुल पतली। आप इसको 6-7 घंटे बाद खाओ तो भी ऐसी के ऐसी सॉफ्ट रहेगी, बिल्कुल सॉफ्ट रोटी है ये 2 लेयर रोटी।
दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था कि हम लोग डिफरेंट डिफरेंट डायामीटर की रोटी कस्टमाइज कर सकते हैं एक ही मशीन में। ये हमारे मशीन की खासियत है कि आप इसमें मिनिमम 3 इंच की डायामीटर से लेकर 9 इंच तक जा सकते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं कि मैंने दो बॉल का वेट अलग अलग करके वही एक ही सेटिंग में डिफरेंट डिफरेंट डायामीटर बनाए है आपके सामने। ये सबसे बड़ी मशीन की रोटी है 9 इंच की रोटी, फिर उसके बाद छोटी होती जा रही है क्योंकि हम लोग दो बॉल का वेट कम करते जा रहे हैं। और एक दूसरी बात, ये रोटी में हम डायामीटर भी आपके हाथ में है और ये रोटी का वेट मतलब थिकनेस भी आपके हाथ में है। थिकनेस को आपको एडजस्ट करना है, जैसे कि थिकनेस मैं आपको बता रहा हूँ 0.9 mm उड़द के पापड़ जैसा पतला से लेके आप 10 mm की गुजराती भाखरी मतलब दो भाखरी अपनी इकट्ठा करते हैं तो कैसी साइज़ होती है वैसी साइज़ तक जा सकते हैं। बीच वाला सब आपके हाथ में है। सेटिंग आपको चाहे डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट में मशीन यूज़ होती है, जैसे कि टेम्पल में रखा गया है, कोई कैंटीन में रखा गया है, कोई रेस्टोरेंट में रखेगा, कोई हॉस्पिटैलिटी में देगा, तो उस सब की थिकनेस वेरिएबल रहती है। कोई पतला मांगता है, कोई मोटा मांगता है, तो थिकनेस आप 0.9 से लेकर 10 mm तक की एडजस्ट कर सकते हो। इसके अलावा आप इसमें प्रेसिंग कर सकते हो, थेपला, पराठा, पूड़ी और भाखरी, इतनी चीज़ ये मशीन आपको प्रेस करके तवे पे दे देगी। ये 1000 वाला मॉडल आप देख रहे हो तो 1000 भाखरी, चपाती, थेपला, परोठा, कोई भी चीज़ आप एक ही मशीन में प्रेस कर सकते हो। अपने इंडिया की सबसे बड़ी जो होटल है ताजमहल पैलेस मुंबई, उसमें भी अपनी मशीन लगी हुई आपको मिलेगी। फिर दुनिया का सबसे बड़ा घर जो एंटीलिया मुकेश अंबानी का घर है, उसमें भी मेरी मशीन आपको लगी हुई मिलेगी। पूरी रिलायंस इंडस्ट्री में हम लोग मशीन सप्लाई करते हैं। फिर अपने देश के जवानों, इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी में भी हमने बहुत सारा मशीन सप्लाई किया है। जवान भी अपनी रोटी खाते हैं रोज, और BAPS, ISKCON सभी संस्थाओं के साथ हम जुड़े हैं और बहुत सारा मशीन सप्लाई करते हैं। मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट मशीन है जो एक घंटे में 300 रोटी बनाती है। ये 300 रोटी पर 1 आवर का मशीन है जो एक घंटे में आपको 300 रोटी रेडी करके दे देगी। ये भी ऑटोमेटिक मशीन है। इसके बाद ये है हमारा 1000 रोटी वाला मशीन, लेकिन उसमें दो बॉल का मशीन ऊपर फिट किया गया है ताकि आदमी को झुक के काम ना करना पड़े, यहाँ पे ही आदमी खड़ा रह के अपना काम कर सकता है। दो बॉल भी इसमें बन जाएंगे, रोटी के गोले भी इसमें बन जाएंगे, यहाँ पे गिरेंगे और आदमी उसको रखता रहेगा। जैसे कि ये 1000 वाले मॉडल में देख रहे हो, पूरा मशीन हमारा 304 SS स्टेनलेस स्टील का बना है, पूरा लेज़र कट बॉडी है इसका। इसका क्लीनिंग बहुत आसान है क्योंकि हम लोग इसको 28 कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे कि अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, दुबई हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, ये सब कंट्री में हम ये मशीन को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसका सफाई करना ज़रूरी है जितना इसको चलाना ज़रूरी है। तो इसको आप आसानी से खोल के इसके ऊपर आप काम ख़त्म होने के बाद एक कपड़ा लगा दो, आपकी रोटी हाइजेनिक हो जाएगी पूरी। और मशीन की क्लीनिंग के लिए आसानी से एयर ब्लोअर इस्तेमाल कर सकते हो। सब जगह हमने अलग अलग डोर दिए हैं, ये खोल के आप आसानी से इसको आप एयर ब्लोअर की मदद से मशीन की सफाई आराम से कर सकते हो। फिर मैं आपको बताने जा रहा हूँ हमारा 600 रोटी का मशीन है। ये एक घंटे में 600 रोटी बनाती है, ये भी ऑटोमेटिक मशीन है एक घंटे में। इसमें भी वही स्टाइल से रोटी बनता है जो मैंने आपको डेमो दिया, 3 स्टेप कन्वेयर वाला मशीन है ये भी। ये कोई छोटी जगह है जिसकी कैपेसिटी कम चाहिए एक घंटे में, उसके लिए ये मशीन काफ़ी लाजवाब है। उसके बाद मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ 2000 रोटी पर 1 आवर, ये है 2000 रोटी एक घंटे में बना रहा है, ये भी ऑटोमेटिक है। इसको इसकी खासियत ये है दोस्तों कि इसमें एक ही आदमी रह के दोनों मशीन में गोला डाल सकते हैं ताकि आपका मैन पावर की बचत हो सकती है। इसमें कलेक्शन के लिए भी आपको एक ही आदमी लगेगा और एक ही आदमी दोनों मशीन में बारी बारी गोला डालेगा। फिर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ मेरा एक और मॉडल है जो कि स्पेशली छोटी जगह और रेस्टोरेंट वाले के लिए मैंने बनाया है। ये मशीन में आप रोटी को प्रेस कर सकते हो, भाखरी, थेपला, पराठा, पूरी सब चीज़ को बेल के तवे पे ले सकते हो। जैसे कि ऊपर से फ्राइंग करने वाली चीज़ें, ऊपर से ऑयल लगाने वाली चीज़ें, थेपला, पराठा, उसके लिए ये बेस्ट मॉडल है। छोटी जगह है, जिसके पास जगह की कमी है उसके लिए भी बेस्ट है। जिसको प्लग एंड प्ले रोटी चाहिए, मतलब थोड़ी देर उसका काम बंद है, थोड़ी देर फिर चाहिए, थोड़ी देर फिर से काम शुरू हो गया, तो उसके लिए प्लग एंड प्ले के लिए ये बेस्ट मॉडल है। जिसको सेमी ऑटोमेटिक
चपाटी प्रेसिंग मशीन बोलते हम लोग, इसकी कैपेसिटी भी 1000 रोटी पर वन आवर है। इसमें भी आप डायामीटर थिकनेस सब एडजस्टेबल है, आपके हाथ में है। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बात बताई कि हमारे पास अलग अलग वेरिएंट के मॉडल है, जैसे कि 80,000 से हमारा मशीन शुरू होता है रोटी का, डिफरेंट कैपेसिटी का 80,000 से लेके 5,40,000 तक का मशीन है हमारे पास। हमारे पास एक घंटे में 300 रोटी, एक घंटे में 600 रोटी, एक घंटे में 1000 रोटी और 2000 रोटी एक घंटे में, वैसी डिफरेंट सेगमेंट के लिए अलग अलग मशीनें हैं। दोस्तों हम कस्टमर को थोड़ा उसके हिसाब से, उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मशीन को थोड़ा बहुत कस्टमाइज करके भी देते हैं, क्योंकि हम लोगों की मास्टरी है चपाटी मशीन में। हम लोग 2011 से ये लाइन में है, 2011 से हम लोग ओनली फॉर चपाटी मेकिंग मशीन ही बना रहे हैं। चपाटी में हमारी पूरी मास्टरी है, आपको जो भी मॉडल चाहिए उसमें थोड़ा बहुत जो भी कस्टमाइज करना चाहोगे वो हम करके देते हैं, क्योंकि हम लोग 100% इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग करते हैं मशीन को। मेरा नाम श्याम मारवानिया है, गिरनार मशीन्स प्राइवेट लिमिटेड का कंपनी का ओनर हूँ। हमारे यहाँ मशीन्स, चपाटी मेकिंग मशीन्स की डिलीवरी आपको पूरे विश्व में कोई भी जगह पे चाहिए और पूरे इंडिया में तो यहाँ से ही मिलेगा। और आपको कॉन्टैक्ट करने के लिए मोबाइल नंबर आप नोट डाउन कर सकते हो, 9351365365। अगर आपको वेबसाइट कनेक्ट करना है तो www.girnarmachines.com। धन्यवाद।